नमस्कार दोस्तों, द मास्टर प्रकाश क्लासेज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग संस्कृत के प्रश्नोत्तरी देख रहे हैं, जिसमें ये सेशन आपका 125 क्वेश्चन का होने वाला है। और 125 क्वेश्चन इतना ज़बरदस्त है कि आप लोग अगर कॉपी और कलम लेकर बैठते हैं, नोट करते चलते हैं, तो इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आने वाला है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अक्षता, दारा, सी लाजा, डी आपका वर्षा। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए, कौन सा हो जाएगा वह शुद्ध शब्द है? तो आपका दारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दारा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, कर्ता द्वारा अनिप्सित पदार्थ की क्या संज्ञा होती है? तो बताएंगे ए कर्ता होता है, बी कर्म होता है, सी कर्ण होता है, डी आपका संप्रदान होता है। तो कौन सा हो जाएगा बताएंगे आप लोग? तो अनिप्सितम। देखिएगा कर्तुर इप्सितम कर्म होता है, कर्तुर इप्सितम कर्म होता है। कर्ता जहाँ जिसको सबसे ज़्यादा इप्सित करे वही होता है आपका कर्म, लेकिन अनिप्सित में भी आपका कर्म होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अनिप्सित का मतलब क्या होता है? जिसे हम नहीं चाहते उसमें भी आपका अनिप्सित कर्म हो जाएगा। जैसे रामः गृहं गच्छन्, तो ये इसमें जो गृहम आया है इसमें कर्तुर इप्सितम सूत्र से आया है, लेकिन सह तृणम इस पर जैसे तृणम आ गया, तो जब राम कहाँ जा रहा था, घर जा रहा था, रास्ते में तिनकों को छू लिया, तो तिनका छूना उसका मकसद नहीं है, वो अनिप्सित था, तब भी आपका तृणम में कौन सा व्यक्ति हो गया? द्वितीय हो गया। तो यही सूत्र यहाँ है कि कर्ता में कर्ता द्वारा जब अनिप्सित पदार्थ की क्या संज्ञा हो जाती है? तो कर्म संज्ञा होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, बहुत बेहतरीन बढ़िया क्वेश्चन है ये आपका। वामा कुलस्याध्याय यह उक्ति किस ग्रंथ में वर्णित है? तो देखिएगा ये जो कुलस्याध्याय है, कुलस्याध्याय का मतलब क्या होता है भैया? कि जो कुल कुल में आध्याय मतलब क्या होता है? पीड़ा के समान होती है। और वामा माने होते हैं जो इसके इतर चले, इसके इतर यह अभिज्ञान शकुंतलम की आपकी सूक्ति है, जिसमें कहा गया है कि यदि स्त्रियाँ बताए गए जैसे कुछ नियम बताए गए कि शुश्रूण मतलब अपने गुरुजनों की सेवा करें, अपने मतलब सौतों को सखी की दृष्टि से देखें, अपने सेवकों को मान सम्मान दें, अगर ये चीज़ें कोई स्त्री नहीं करती तो वो वामा कुलस्याध्याय, तो वो क्या होती हैं? कुल के लिए मानसिक पीड़ा के समान होती हैं। ये सूक्ति कहाँ से ली गई है? तो अभिज्ञान शकुंतलम की से ली गई है। और अभिज्ञान शकुंतलम के राइटर कौन हैं? तो अभिज्ञान शकुंतलम के राइटर जो हैं आपके कालिदास जी हैं। और सुनिएगा आप लोग, अभिज्ञान शकुंतलम जो है कालिदास की अंतिम रचना है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो पहली रचना कौन सी है? तो आपका ऋतु संहारम है। ये आपका उत्तर रामचरित है। उत्तर रामचरित को किसने लिखा भैया? तो भवभूत ने लिखा। नीशतक को किसने लिखा? भर्तहरि ने लिखा। और किरातार्जुनीय को किसने लिखा? आप कमेंट बॉक्स में इसको बताइए, किरातार्जुनीय वाला। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा भैया? क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, सुखी शब्द का तृतीय एक वचन रूप क्या होगा? सुख्या, बी ऑप्शन आपका सुखिना, सी आपका सुख्या, डी आपका सुख्यु। तो 4 का बताएंगे बेहतरीन आपका हो जाएगा सुख्या हो जाएगा। सुखिना का ही नहीं होगा, सुखिना नहीं होगा आपका, क्योंकि सुखी शब्द का तृतीय एक वचन क्या रूप बनता है? तो आपका 4 का विकल्प ए हो जाएगा सुख्या। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये बहुत बेहतरीन है, किरातार्जुनीय प्रथम सर्ग में सर्वायुक्त प्रयुक्त छंद में प्रयुक्त गढ़ होता है, तो ये आपका 5 का ए हो जाएगा भैया, जगड़ तगड़ तगड़ रगड़ क्या होता है इसका बताएंगे? ये किस छंद का ये है? तो वंशस्थ का है। किसका है भैया? वंशस्थ का। नोट लीजिए, नोट कर लीजिए, जतव जरव होता है। क्या होता है? जतव जरव। वंशस्थ का लक्षण क्या होता है भैया? तो जतव जरव होता है। अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, सत्यनिष्ठ शब्द में कौन सा समास है? अब बेभाव समास है, बी तत्पुरुष है, सी बहुव्रीहि है, डी आपका द्वंद समास है। तो 6 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा? सत्यनिष्ठ। तो 6 का आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भैया? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अब कैसे बहुव्रीहि समास होगा? तत्पुरुष का ही नहीं होगा, तो आप सोचिएगा कि जो सत्य में निष्ठा रखे वो कौन होता है? सत्यनिष्ठ होता है। ये संस्कृत है, ये हिंदी नहीं है आपका। अब बताएंगे 6 का कौन सा हो जाएगा भैया? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। 7 जो है, शुभ प्रत्याहार में कितने प्रत्यय होते हैं बताएंगे आप लोग? 20,
बी 21, सी 22, डी आपका 24, तो कितने हो जाएंगे? सुप में 21 प्रत्यय होते हैं। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 8, पुल्लिंग सर्व शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन में क्या रूप होता है? सर्वाह, बी सर्वे, सी सर्वौ, डी आपका सर्वः। तो 8 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी हो जाएगा। सर्व शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन में क्या होगा? सर्वे होगा, सर्वः, सर्व, सर्वे होता है ना। अगला देखेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 9, सुकुनास के उपदेश के पश्चात प्रसन्न हृदय वाला राजा कहाँ गया? तो राज दरबार में गया, उद्यान में गया, और आप लोग बताइएगा अपने भवन में गया और वन में गया। तो वो जब सुकुनास के उपदेश के पश्चात जो प्रसन्न हृदय वाला राजा था, राजा कौन था कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए। तो वो राजा कहाँ गया? चंद्रापीठ था। हम आपको क्लू भी देते हैं, चंद्रापीठ था कि तारापीठ, तो बताएंगे आप लोग वो राजा कौन था? तारापीठ, और तारापीठ अपने भवन में गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेहतरीन, देखिएगा उत्तर रामचरित में लौकुश के जन्म की किस वर्षगांठ का वर्णन है? 8वीं, 10वीं, 12वीं और 14वीं, तो किसकी है भैया? तो 12वीं जन्मगांठ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंग का प्रारंभ किससे होता है? नांदी से, बी आकाशभाषी से, सी सूत्रधार से, डी आपका विष्कम्भक से। तो 11 का बताएंगे भैया कौन सा हो जाएगा आपका? 11 का डी हो जाएगा, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का प्रारंभ विष्कम्भक से होता है। विष्कम्भक मतलब क्या होता है? जो भूत भविष्य की घटनाओं का वर्णन करे वो आपका विष्कम्भक होता है। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 12, नीच शतक में राजनीति को कितने स्वरूपों को धारण करने वाली कहा गया है? तो 10 स्वरूपों को धारण करने वाली कहा गया। कितने स्वरूपों को भैया? 10 स्वरूपों को। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, शकुंतला के अनिष्ट निवारण के लिए महर्षि कर्ण कहाँ गए थे? बताएंगे भैया, ए हिमालय गए थे, बी सोमतीर्थ गए थे, सी कुरुक्षेत्र गए थे, डी आपका प्रयाग गए थे। तो 13 का बेहतरीन आंसर हो जाएगा, वो सोमतीर्थ गए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर रामचरित नाटक का मंगलाचरण किस छंद में है? गायत्री, बी अनुष्टुप, सी उपजाति, डी आपका वंशस्थ। तो 14 का बेहतरीन आंसर हो जाएगा, वंशस्थ छंद में है। कौन से छंद में है? वंशस्थ है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, संस्कृत उमांगमय में गद्य का प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है? बताएंगे, ऋग्वेद में, बी यजुर्वेद में, सी कादंबरी में, डी हर्षचरितम में। तो 15 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा भैया? तो बेहतरीन जवाब आपका 15 का बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गद्य का प्रयोग सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हुआ है? तो यजुर्वेद में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित शब्दों में से कौन शुद्ध है? भूपत्यु, भूपते, भूपत्ये, भूपत्या। तो 16 का कौन सा हो जाएगा आप लोग बताएंगे? 16 का आपका बी हो जाएगा, भूपते हो जाएगा, शुद्ध है। भूपत्यु, भूपत्ये, भूपत्या ये तीनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, पृत तुल्य शब्द में कौन समास है? अव्ययीभाव समास, बी तत्पुरुष समास, सी बहुव्रीहि समास, डी द्वंद्व समास। तो 17 का बताएंगे बेहतरीन जवाब बी हो जाएगा, पृत तुल्य शब्द में कौन समास है? तत्पुरुष समास। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, वरम विरोध अपि समम महात्मभि। बताना, वरम माने श्रेष्ठ है, विरोधो अपि माने विरोध करना भी, समम महात्मि जो महात्मा के समान आत्माओं से विरोध करना भी श्रेष्ठ होता है, यह उक्ति किस ग्रंथ की है? शिवराज विजय में सेनापति ने कहा, किरातार्जुनीय में बनेचन ने कहा, किरातार्जुनीय में धिष्ठिर ने कहा, शिवराज विजय में शिवाजी ने कहा। तो बताएंगे 18 का बेहतरीन जवाब बी हो जाएगा, किरातार्जुनीय में किसने कहा था? बनेचर ने कहा था। किसने कहा था? बनेचर ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, किरातार्जुनीय प्रथम सर्ग के कथानक में किसका वर्णन नहीं है? बताएंगे भैया किसका वर्णन नहीं है आपका? तो द्वैत वन में पांडवों का निवास, बी गुप्तचर द्वारा दुर्योधन का वृतांत, सी द्रौपदी का क्रोध, डी द्रौपदी के क्रोध का युधिष्ठिर द्वारा समर्थन। तो कौन सा नहीं है? तो द्रौपदी का क्रोध भी है भैया, सी ऑप्शन, बी गुप्तचर द्वारा दुर्योधन का वृतांत भी है, ए द्वैत वन में पांडवों का निवास भी है, लेकिन द्रौपदी के क्रोध का समर्थन युधिष्ठिर ने नहीं किया। अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया क्वेश्चन नंबर 20, महर्षि कर्ण किनके साथ शकुंतला को पतिग्रह भेजते हैं? बताना भैया, सारंगो, सारद्वत, गौतमी, उपयुक्त सभी। तो आपका ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि सारंगो, सारद्वत,
और गौतमी तीनों लोग जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, बेहतरीन क्वेश्चन। देखिएगा भैया, गुरु धन आदेशा में संधि होने पर बनता है गुरु देशा, बी गुरा देशा, सी गुरुआ देशा, डी गुरु देशा। तो 21 का कौन सा हो जाएगा आप बताएंगे, 21 का सी हो जाएगा, गुरुआ देशा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, शीतोष्ण पद में क्या समास है, अव्यय भाव समास, बी तत्पुरुष समास, सी बहुव्रीहि समास, डी द्वंद्व समास। तो बताएंगे 22 का कौन सा हो जाएगा भैया, द्वंद्व समास हो जाएगा, क्योंकि शीत लिखा है और उष्ण भी लिखा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 23, जब कोई क्रिया कृदंत रूप से प्रकट की जाती है तो उस क्रिया के कर्ता अथवा कर्म में कौन सी भक्ति का प्रयोग होता है, तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, सप्तमी का। तो 23 का बताएंगे आप लोग कौन सा हो जाएगा भैया, षष्ठी का। जब कोई क्रिया कृदंत रूप में प्रकट की जाती है तो उस क्रिया के कर्ता और कर्म दोनों में आपका षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा भैया, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द क्या नहीं है, मंचे अधिमंचम, मंचे अधि, मंचस्य ऊपर। तो बताना 24 का कौन सा हो जाएगा, सी मंचे आदि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 25, कादंबरी का उपजीव ग्रंथ है, बताएंगे महाभारत, बी अहमद सुंदरी कथा, सी बृहत कथा, डी वासवदत्ता। तो 25 का कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, कादंबरी का उपजीव ग्रंथ कौन सा, बृहत कथा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 26, नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करने पर वक्ता में किस व्यक्ति का प्रयोग होता है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन, ए तृतीया, बी चतुर्थी, सी पंचमी, डी आपका षष्ठी। तो बताएंगे 26 का हो जाएगा, सी पंचमी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे आप लोग, उत्तर रामचरिता में आदृश्य रूप में सीता किसके साथ पंचवटी में आती है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, ए गोदावरी के पास साथ, बी गंगा के साथ, सी तमसा के साथ, डी वासंती के साथ। तो 27 का बताएंगे, बी हो जाएगा, गंगा के साथ। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, किरातार्जुन नियम का नायक कौन है, बताएंगे भैया, ए युधिष्ठिर है, बी अर्जुन है, सी शिव है, डी भीम है। तो 28 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, अर्जुन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29, बाणस्तु पंचानना यह युक्ति किसकी है, तो भामा की है, बी राजशेखर की है, सी क्षेमेंद्र की है, डी आपका श्री चंद्र देव की है। तो 29 का बताएंगे भैया कौन सा हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, बाणस्तु पंचानना जो है श्री चंद्र देव की है, समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30, नाट्य में कितने रस होते हैं, बताना भैया, ए 7 रस, बी 8 रस, सी 9 रस, डी 10 रस। तो 30 का बेहतरीन आंसर आपका हो जाएगा, 30 का बी हो जाएगा, नाट्य में 8 रस होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुश्री शब्द के पंचमी विभक्ति के एक वचन में क्या रूप बनेगा, बहुत बेहतरीन, पंचमी विभक्ति के एक वचन में बताना है आप लोगों को, सुश्री, सुश्रिय, सुश्रिया, सुश्रिया। 31 का बताएंगे, सी हो जाएगा, सुश्रिया। अगला देखेंगे, शहाबुद्दीन नामक यवन ने निम्नलिखित में से क्या नहीं किया, गजनी देश पर आक्रमण, महमूद के वंशजों की हत्या, दिल्ली सर पृथ्वीराज की हत्या, महमूद गजनवी की हत्या, मतलब डी आपका दिल्ली पर आक्रमण। तो इसमें क्या नहीं किया, तो 32 का आपका सी हो जाएगा, दिल्ली सर पृथ्वीराज की हत्या नहीं की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महाकवि भवभूत के राम किस प्रकृति के नायक है, बहुत बेहतरीन, धीर प्रशांत, धीर ललित, धीरोधत, धीरोदात। तो कौन सा हो जाएगा भैया, आप लोग बताएंगे राम कौन से हैं, तो आपका धीरोदात्त है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कादंबरी के प्रथम मंगलाचरण में बाणभट्ट ने कितने श्लोकों की रचना की है, तो बताएंगे आप लोग 10 की, कि 25 की, कि 20 की, कि 15 की। तो बताएंगे सी हो जाएगा आपका, कौन सा भैया, सी हो जाएगा। तो सी लगा दीजिएगा। अगला बढ़ते हैं, एको रसः करुड़ एव, एको रसः करुड़ एव, इस दुनिया में केवल एक रस है और कोई दूसरा सब इसकी क्या है, बस अंग है, समझ लीजिएगा। यह उक्ति उत्तर रामचरित के किस अंक में, प्रथम में है, कि द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में, तो यह आपका हो जाएगा बेहतरीन आंसर, चतुर्थ अंक में है। अगला देखना,
क्वेश्चन नंबर 36, किराता अर्जुनियम का कथा महाभारत की किस पर्व से संबंधित है? बताएंगे आदि पर्व से, बी सभा पर्व से, सी वन पर्व से, डी आपका भीष्म पर्व से। तो 36 का आपका बेहतरीन जवाब सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37, पराभव अपि उत्सव इव मानिना। बताना यह वचन किस ग्रंथ से संबंधित है? पराभव मतलब पराजय को भी उत्सव के समान मानते हैं कौन? जो तेजस्वी पुरुष होते हैं। तो बताना ए उत्तर रामचरित की है ये पंक्ति, बी निशतम की है, सी किरातार्जुनियम की है, डी आपका अभियान शकुंतलम। मतलब तो ये है आपका सी किरातार्जुनियम को। अब अगली बार पूछा जा सकता है कि ये पंक्ति किसने कहा है, तो आपको बताना पड़ेगा ये पंक्ति कहा किसने, किरातार्जुनियम में द्रौपदी जी ने कहा है, जब कहे कि अगर तुम हार के आते तो हम इस पराजय को भी स्वीकार कर लेते, जब तुम जबरदस्ती हार के आए हो तो कौन स्वीकार करेगा, है कि नहीं, यहाँ पे लोग बताइए। 38 क्वेश्चन देखेंगे, 38 नंबर, कादंबरी के प्रथम मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है? ब्रह्मा की, विष्णु की, सी महेश की, डी त्रिगुणमय पर ब्रह्म की। तो 38 का बेहतरीन जवाब आपका डी हो जाएगा, कौन सा, त्रिगुणमय पर ब्रह्म की गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? कुमारिया, कुमारिया, कुमारियोह, उपयुक्त सभी। तो 39 का देखेंगे कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये जो तीनों हैं ये तीनों आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40, मेघदूत में किस छंद का प्रयोग हुआ है? इसको सब जानते हैं कि मंदाक्रांता का छंद का प्रयोग हुआ, वंशस्थ किस छंद में हुआ है? वंशस्थ छंद तो किरातार्जुनियम में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41, विपदि दैर्यम मथा अभ्युदय क्षमा, यह युक्ति किस ग्रंथ से है? बताएंगे उत्तर रामचरित से, किरातार्जुनियम से है, सी अभियान शकुंतलम से है, डी आपका निशतकम से है। तो बताएंगे 41 का कौन सा हो जाएगा भैया, तो ये निशतक है कि विपद में भी जो धैर्य न खोए और क्षमा कर दे वो होता असली योद्धा, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निशतक को किसने लिखा, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा जरूर किसने लिखा है, तो भर्तहरि ने लिखा है। इनकी कितनी रचनाएं हैं, कि चार रचनाएं हैं, चारों ऑप्शन लिखिएगा आप चारों रचनाओं का। 43 देखेंगे, रूपक के भेदक तत्व तो जिनके आधार पर उनमें अंतर किया जाता है वो कितने हैं? बताएंगे भैया आप लोग, तीन हैं, बी चार हैं, सी पांच हैं, डी आपके 10 हैं। तो 43 का बेहतरीन आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, तीन हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44, क्रिया में कौन उक्त होते हैं? बताना बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, कर्ता उक्त होता है कि कर्म उक्त होता है, इसी भाव होता है कि डी आपका उपयुक्त सभी होता है। तो 44 का बताएंगे आप लोग कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, कर्ता में उक्त जो है तीनों होता है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? बताना शस्त्र स्त्रिय पठंती, बी सताम स्त्रीणाम किय मूल्यम, सी विंशति फलान संत, डी त्रिंशताह बालिका पठंती। तो बताएंगे 45 कौन सा हो जाएगा भैया, सी हो जाएगा, विंशति ही फलानि संति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46, कौन सा भैया, 46, क्रोध दुह ईर्ष असूई धातुओं तथा इनके समान अर्थ वाली धातुओं के योग में जिस पर क्रोध किया जाए उसकी क्या संज्ञा होती है? तो इसको सब लोग जानते हैं, इसकी कौन सी संज्ञा भैया, संप्रदान संज्ञा होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा अगला, उत्तर रामचरित में कितने अंक हैं? जबरदस्त क्वेश्चन, तो कितने अंक हैं, 6 अंक हैं कि 7 अंक हैं कि 10 अंक हैं कि 9 अंक हैं? तो बताइएगा 47 का कौन सा हो जाएगा, 47 का कौन सा हो जाएगा बताएंगे आप लोग। तो देखिएगा बी हो जाएगा, कितने अंक हैं, 7 अंक हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 48, कादंबरी का प्रधान रस क्या है? वीर है, श्रृंगार है, करुण है कि शांत है? तो 48 का बताएंगे इसमें श्रृंगार रस है, क्योंकि इसमें भी श्रृंगारता का बोध किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49, तिंग प्रत्याहार में कितने प्रत्यय आएंगे, कितने किस प्रत्याहार में भैया, तो तिंग प्रत्याहार में 18 आएंगे कि 12 आएंगे कि 7 आएंगे कि 21 आएंगे? तो बताएंगे 49 का कौन सा हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, तिंग प्रत्याहार में 18 आएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 50, नायक कितने प्रकार के होते हैं? 3, बी 4, सी 5, डी आपके 6। तो 50 का बेहतरीन आंसर, तो 50 का आपका हो जाएगा बी, नायक 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, धीर ललित, धीरोदात और धीरोदात
और धीर प्रशांत, ये चारों आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51, उत्तर रामचरित की तृतीय अंक की घटना किस स्थान पर घटित हुई? बहुत सही, वाल्मीकि आश्रम में, बी चित्रकूट में, सी अयोध्या में, डी पंचवटी में। तो 51 का लाजवाब भैया, आप लोग सही आंसर दे रहे हैं, पंचवटी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 52, प्रसिद्ध टीकाकार मल्लनाथ के अनुसार मेघदूत में कितने पद्य हैं? 115, बी 120, सी 121, डी 125। तो 52 का कौन सा हो जाएगा भैया? ए सी दोनों होगा, दो बार आयोग माना है ना, सॉरी ये नहीं, ये ए सी दोनों, 115 121 दोनों हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53, कर्मवाच में कर्म में क्या विभक्ति होती है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, षष्ठी। तो आपका कौन सा हो जाएगा? 53 का ए हो जाएगा, प्रथमा होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 54, कौन सा भैया? 54 देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से सही क्या है? अंतर्राष्ट्रीय, बी अंतर्राष्ट्रीय, सी अंतर्राष्ट्रीय, डी अंतर्राष्ट्रीय। तो कौन सा हो जाएगा? जबरदस्त क्वेश्चन, 54 का बताएंगे, सी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55, मेघदूत में मेघ को कितने पदार्थों का सम्मिश्रण कहा गया है? बताएंगे भैया 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो 55 का आपका हो जाएगा भैया बी हो जाएगा, कौन सा? 4 का, धूम मतलब धुआं, और कौन सा? जल, और दो आप लोग बताइएगा, जल नहीं बताइएगा, चारों ऑप्शन कमेंट बॉक्स करके। 56 क्वेश्चन देखेंगे, चूर धातु के संबंध में क्या सही कथन है? बताएंगे चूर धातु, बी चूर धातु से स्वार्थ में ऋच प्रत्यय होता है, सी चूर धातु में ऋच प्रत्यय लगाना इच्छिक है, डी चूर धातु केवल आत्मनेपदी धातु है। तो 56 का बताएंगे आप लोग कौन सा हो जाएगा भैया, 56 का बेहतरीन आंसर, चूर धातु में स्वार्थ में ऋच होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 57, अष्टन शब्द का प्रथमा विभक्ति क्या रूप बनेगा? बहुत बेहतरीन, सी ऑप्शन अष्टो बनेगा, कौन सा बनेगा? अष्टो। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे आप लोग, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 58, अव्यय शब्दों में किस विभक्ति प्रत्यय का लोप होता है? प्रथमा का, द्वितीय का, तृतीय का, डी सभी का। तो अव्यय में किस विभक्ति प्रत्यय का लोप होता है? तो 58 का बताएंगे बेहतरीन जवाब आप लोग का, सभी का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 59, कादंबरी निम्नलिखित में से क्या है? आख्यायिका है, कथा है, रूपक है, उपन्यास है। तो 59 का कौन सा हो जाएगा आप लोग बताएंगे, जबरदस्त सवाल, कथा है। अगला देखना, असज्जनात् कस्य भयं न जायते, यह वचन किस ग्रंथ का निःशतक का है? बी मेघदूतम का है, सी कीरातार्जुनीयम का है, डी कादंबरी का है। तो 60 का बेहतरीन जवाब हो जाएगा आपका, कादंबरी का है, कि असज्जनों से भला किसको भय नहीं लगता। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61, कौन सा भैया? क्वेश्चन नंबर 61, हल प्रत्याहार में कितने वर्ड आते हैं? बताएंगे 33, 34, 35, 36। आंसर देंगे 61 का आप लोग, बेहतरीन जवाब ए बी दोनों हो जाएगा, ए बी दोनों होगा, 33 भी होता है, 34 भी होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 62, निम्नलिखित में से इस्मत शब्द के लिए क्या सही है? बताना, इस्मत मध्यम पुरुषवाची है, बी संबोधन का प्रयोग वर्जित है, सी तीन लिंगों में एक समान प्रयोग होता है, डी उपयुक्त सभी सही है। तो 62 का आप लोग बताएंगे डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी कथन सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, श्रव्य काव्य के कितने भेद होते हैं? आप लोग बताएंगे श्रव्य काव्य के कितने भेद होते हैं? तो 63 का बेहतरीन जवाब आप लोग का, श्रव्य काव्य के तीन भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 64, मेघदूत के प्रारंभ में किस प्रकार का मंगलाचरण किया गया है? तो बताएंगे वस्तु निर्देशात्मक है, कश्चित कांता विरह गुरुड़ा, यही है आपका। लिखा किसने मेघदूत को? कालिदास ने लिखा। अगला देखना 65, ग्रीष्म ऋतु में संधि होने पर क्या बनेगा? ग्रीष्मर्तु शिशर्तु, तो ये जो रा है ये ता के ऊपर लगेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 66, इवन शब्द का प्रथमा बहुवचन में क्या रूप बनेगा? इवाना, बी इवा, सी इवानम, डी इवना। तो 66 का कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, इवन का इवाना हो जाएगा। मेघदूत के अनुसार अलकापुरी में यक्ष का घर कुबेर के महल से किस दिशा में बताया गया है? पूर्व,
उत्तर, पश्चिम, दक्षिण। तो 67 का बताएंगे आप लोग कौन सा हो जाएगा भैया, बी हो जाएगा, उत्तर दिशा में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 68। उत्तर रामचरित का छायांक नाम में से कौन सा अंक प्रसिद्ध है, बताएंगे भैया द्वितीय अंक, बी तृतीय अंक, सी चतुर्थ अंक, डी आपका पंचम अंक। तो 68 का आपका हो जाएगा तृतीय अंक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 69। बलिम याचिते वसुधाम, इस वाक्य में बलिम में द्वितीय भक्ति क्यों होती है, क्यों कि ए बलि गौण कर्म है, बी अपादानाद की विषय विवेचना नहीं है, अपितु अविच्छा है, सी अकत्तम चा सूत से कर्म संज्ञा हुई, डी उपयुक्त सभी कारणों से। तो 69 का कौन सा हो जाएगा बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे अभिज्ञान शकुंतलम के चतुर्थ अंक में श्लोकों की संख्या कितनी है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन ये, ए 34 है, बी 18 है, सी 22 है, डी आपका 24 है। तो 70 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा 22 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 71। भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष के बहुवचन में क्या रूप होता है, भवत, भव, भवतम, डी भवत। तो बताएंगे 71 का बी हो जाएगा, भव होगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72। उत्तर रामचरित में निम्नलिखित में से कौन सा पात्र नहीं है, तो बताना भैया नायक है, विदूषक, नायिका की सूत्रधार, तो सब हैं लेकिन विदूषक नहीं है। जहाँ करुणा की बात आएगी भैया वहाँ हंसने में हंसी मजाक की कोई बात नहीं होती। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73। अकारांत पुल्लिंग प्रथम शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन में क्या रूप होगा, प्रथमे, प्रथमेन, प्रथमई, प्रथमो। तो 73 का बताएंगे भैया कौन सा हो जाएगा आपका, तो सी हो जाएगा प्रथमई। अगला क्वेश्चन देखेंगे 74। लौकिक प्रयोग की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है, सत्यमेव जयते, बी धर्मा जयति सर्वदा, सी न्यायोस जयति सर्वदा, सत्यम जयति सर्वत्र। तो 74 का कौन सा हो जाएगा, डी हो जाए, 74 का बताएंगे ए हो जाएगा, सत्यमेव जयते। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 75। कर्म के युक्त होने पर कौन सी भक्ति लगती है, प्रथमा, द्वितीया, संबोधन की तृतीया। तो 75 का आप लोग देंगे जवाब बेहतरीन, बताएंगे 75 का हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, तृतीया भक्ति लगती है, कौन सी तृतीया। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76। ध्यान स्थित भगवान दृश्य ज्ञाते कालबेगा, या उक्ति किस ग्रंथ की है, कि मतलब ध्यान में अवस्थित आप और काल के वेग का ज्ञात नहीं हुआ आपको, समय का वेग किस तरीके से चला गया आपको ज्ञात नहीं हुआ, ये पंक्ति शिवराज विजय की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिस कारण या प्रयोजन से कोई कार्य किया जाता है उसमें क्या विभक्ति होती है, तो तृतीया, बी चतुर्थी, सी पंचमी, डी षष्ठी। तो 77 का आपका कौन सा हो जाएगा बताएंगे आप लोग, ए हो जाएगा, तृतीया होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 78। उत्तर रामचरित में भागीदार चरित्र में भागीरथी किसकी पूजा करने के बहाने सीता को लाती हैं, बताना शिव की, विष्णु की, ब्रह्मा की, सूर्य की। तो आपका हो जाएगा 78 का डी, सूर्य की। 79 देखेंगे, जो बात अन्य विभक्तियों से ना कहने की इच्छा हो उसमें किस व्यक्ति का प्रयोग होता है, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी। तो कौन सा हो जाएगा 79 का आप लोग बताएंगे, 79 का आपका हो जाएगा डी, षष्ठी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 80। बाण भट्ट की गद्य रीत का गीत क्या है, बैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 80 का बताएंगे बेहतरीन जवाब आप लोग का, ए हो जाएगा, बैदर्भी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। सुखधन रीता, देखिएगा सुखधन रीता कौन सा हो जाएगा संधि, सुखार्ता हो जाएगा, ए ऑप्शन। कौन सी संधि है इसमें, वृद्धि संधि है। अगला हुआ तो संधि विच्छेद गुण की तरह लेकिन होगा वृद्धि संधि। अगला देखेंगे निमित्त, निमित्त शब्द का अर्थ रखने वाले शब्दों का प्रयोग होने पर सर्वनाम में किस व्यक्ति का प्रयोग करते हैं, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, द्वितीया से सप्तमी तक सभी का। तो बताएंगे 82 का कौन सा हो जाएगा बेहतरीन जवाब आप लोग का, तो 82 का डी हो जाएगा, द्वितीय से लेकर सप्तमी तक की विभक्ति निमित्त के योग में लगती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। दिव धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष के द्विवचन में क्या रूप होता है, दिव्यतम, दिव्यतात, दिव्यताम, दिव्यद। तो 83 का बताएंगे आप लोग कौन सा हो जाएगा भैया बेहतरीन जवाब, दिव्यताम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 84।
बाण भट्ट किस सम्राट के सभा पंडित थे? तो बताना, चंद्रगुप्त के, यशो वर्मा के, हर्षवर्धन के और शाहजहां के। बताएंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। 84 का कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अगला देखना, ये बहुत बहुत मस्त क्वेश्चन है ये 85 वाला। नीचैर गच्छति उपरि च दशा चक्रेने विक्रमेण। मतलब समझ रहे हैं कि ये जो गच्छति ऊपर नीचे जाने वाला है ना, किसका दशा का ये जो चक्र है, क्रम से आता है, ऊपर कभी जाएगा कभी भाई देखिए, कभी आप सुख में हैं कभी दुख में हैं, तो ये जीवन का चक्र है, ये ऊपर नीचे आता जाता रहता है। ये किस ग्रंथ से संबंधित है? बताएंगे, उत्तर रामचरित से, स्वप्नवास दत्त से, सी किरातार्जुनीयम से, डी मेघदूत से। तो 85 का बताएंगे बेहतरीन आंसर आप लोगों का, 85 का डी हो जाएगा, ये मेघदूत से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 86। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध क्या है? रमेण रामेण भार्य त्यजते, बी रामेण भार्यम त्यजति, सी राम भार्य त्यजति, डी रामेण भार्य त्याजति। तो 86 का बताएंगे आप लोग कौन सा हो जाएगा भाई, 86 का ही हो जाएगा, रामेण भार्य त्यजते। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 87। क्रियाकर्मक होती है जब, गलत विकल्प चुनना है, जब धातु का अर्थ बदल जाए, जब धातु के अर्थ में कर्म समाविष्ट हो, जब धातु का कर्म अत्यंत प्रसिद्ध हो, जब कर्म शब्दों में ना लिखा जाए। तो 87 का बेहतरीन जवाब आपका हो जाएगा डी, जब कर्म शब्दों से ना लिखा जाए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 88। ब्रू धातु का विधिलिंग मध्यम पुरुष द्विवचन का क्या रूप बनेगा? बहुत बेहतरीन है क्वेश्चन। ब्रियात ब्रियात ब्रियाव और ब्रियातम। तो 88 का कौन सा हो जाएगा भैया? डी हो जाएगा, तम वाला। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे। यथा मति शब्द में कौन सा समास है? बेभाव समास, बी तत्पुरुष समास, सी बहुव्रीहि समास, डी आपका द्वंद्व समास। तो 89 का जवाब आप लोग का बढ़िया है, ए हो जाएगा, यथा मति में कौन सा समास? अब बेभाव समास होगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 90। उत्तर रामचरित के मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है? शिव की, शक्ति की, विष्णु की, कवि तथा बाणी की। तो कौन सा हो जाएगा 90 का बताएंगे, बहुत सुंदर, 90 का डी हो जाएगा। कौन सा भैया? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 91। कौन सा भैया? क्वेश्चन नंबर 91 आपका। अच प्रत्याहार में कितने स्वर हैं? तो बताएंगे आप लोग, 5 होते हैं, बी 6 होते हैं, सी 8 होते हैं, डी 9 होते हैं। तो 91 का कौन सा हो जाएगा बताएंगे आप लोग? डी हो जाएगा, अच में कितने होते हैं? 9 स्वर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किरातार्जुनीयम का प्रधान रस कौन सा है? श्रृंगार है, करुण है, वीर है, कि शांत रस है? तो बताएंगे 92 का कौन सा हो जाएगा आपका? 92 का सी हो जाएगा, वीर रस। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 93। अनुष्टुप छंद में कितने अक्षर होते हैं? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, ए 24, बी 28, सी 32, डी आपका 36। तो 93 का कौन सा हो जाएगा देखेंगे, खतरनाक, 32 होते हैं। कितने होते हैं? 32। अगला देखना 94 देखना, 94 में हो जाएगा, शिवराज विजय के प्रथम विराम में कितने निःश्वास हैं? 3 हैं, बी 4 हैं, कि सी 5 हैं, कि डी आपके 6 हैं? तो बताइएगा कितने निःश्वास हैं 94 का? जबरदस्त, आप लोग बढ़िया आंसर दिए, बी का 4 हो जाएगा। कितने विराम है पूछा जाएगा, तब आंसर आपका 3 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। कौस्तुभ मणि को कौन धारण करता है? ब्रह्मा, विष्णु, शिव की, इंद्र। तो 95 का बताएंगे बेहतरीन आंसर आप लोग का, 95 का हो जाएगा भैया, बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी, विष्णु धारण करते हैं। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 96। अफजल खां को मारने के पश्चात वीर शिवाजी ने रणभूमि की सफाई का कार्य निम्नलिखित में से किसे सौंपा? गौर सिंह को, बी सेनापति को, सी मालश्री को, डी सचिव को। तो 96 का बताएंगे भैया कौन सा हो जाएगा आपका? 96 का सी हो जाएगा, रणभूमि की सफाई के लिए मालश्री को भेजा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 97। जलमग्न शब्द में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, सीद्वंद्व समास, डी बहुव्रीहि। तो 97 का बताएंगे बेहतरीन आंसर आप लोग का, बी हो जाएगा, जलमग्न में तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन नंबर 98। भारतवर्ष में यवन राज्य का बीजारोपण निम्नलिखित में से किसने किया? महमूद गजनबी ने, कुतुबुद्दीन ने, शहाबुद्दीन ने, कि मोहम्मद गोरी ने? तो किसने किया था 98 का बताएंगे आप लोग, कौन सा हो जाएगा? सी, शहाबुद्दीन ने किया था।
अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 99, संबोधन और प्रथमा विभक्ति के किस वचन में अंतर होता है। संबोधन और प्रथमा विभक्ति के किस वचन में अंतर होता है, एक वचन, दो वचन, बहुवचन, किसी भी में नहीं। तो 99 का बेहतरीन आंसर ए हो जाएगा, केवल एक वचन में अंतर होता है भैया, और समय वही रहता है। क्वेश्चन नंबर 100, संधि निम्नलिखित में से किन में अवश्य करनी चाहिए, एक पद में, धातु तथा उपसर्ग के मध्य में, समास में, उपयुक्त सभी में। तो 100 का बताएंगे डी हो जाएगा, सभी में करना चाहिए, केवल वाक्य में संधि जो है ऐच्छिक होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 101, मेघदूत में मेघ के मार्ग में निम्नलिखित में से क्या नहीं है, नर्मदा नदी, विदिशा, उज्जैनी, अयोध्या। तो 101 का आपका बेहतरीन आंसर हो जाएगा, अयोध्या नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है, रामा पठति, रामेण पठ्यते, सी रामा पाठयति, डी आपका सभी शुद्ध है। तो बताएंगे 102 का कौन सा हो जाएगा भैया, डी हो जाएगा, इसमें सभी शुद्ध है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 103, पठ धातु का लंग लकार के मध्यम पुरुष एक वचन का क्या रूप होगा, अपठन, बी अपठत, सी अपठ, डी अपठम। तो 103 का हो जाएगा आप लोगों का भैया सी अपठा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 104, भाववाच्य के लिए निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, भाववाच्य तभी होता है जब क्रिया अकर्मक हो, सही है ये, क्रिया तृतीयांत होना चाहिए, ये भी सही है, क्रिया केवल प्रथम पुरुष एक वचन में प्रयुक्त होगी, ये भी सही है, भाववाच्य में क्रियाकर्ता के वचन के अनुसार चलता है, ये आपका गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 105, अशुद्ध वाक्य बताइएगा आप लोग, कति बालिका, कति जना पठंती, कतया मुनया जपंती, कति फलान संति। तो 105 का बताएंगे आप लोग कौन सा हो जाएगा भैया, 105 का सी हो जाएगा, इसमें जो अशुद्ध है वो आपका सी है, कतया मुनया जपंती, और सब आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे, नियत सत्ता के अनुसार धन की कितनी दशाएं होती हैं, 2, 3, 4, 5। तो 106 का आपका हो जाएगा भैया बी हो जाएगा, धन की 3 गति होती है, जो दान नहीं करते उनका धन, जो भोग नहीं करते तो उनका धन अपने आप सर्वनाश हो जाता है। तो धन की कितनी गतियां होती है, दान, भोग और नाश। क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे, राजा शूद्रक की राजधानी बताएंगे भैया, राजा शूद्रक की राजधानी का नाम क्या था, उज्जैनी, विदिशा, हस्तिनापुर, थानेश्वर। तो 107 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा भैया, 107 का बी हो जाएगा, विदिशा हो जाएगी। अगला देखेंगे 108 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है, हरि वैकुंठम उपवसत, हरि वैकुंठम अनवसत, हरि वैकुंठे वसत, उपयुक्त सभी शुद्ध हैं। तो 108 का कौन सा हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त सभी शुद्ध हैं। अगला देखेंगे भैया आप लोग, यक्ष के प्रवास की अवधि क्या थी, एक वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 3 वर्ष, डी आपका 4 वर्ष। तो बताएंगे कौन सा हो जाएगा भैया, तो आपका 109 का हो जाएगा ए, 1 वर्ष थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 110, किरातार्जुनीय महाकाव्य में कितने सर्ग हैं, 22, 17, 18, 20। तो 110 का कौन सा हो जाएगा भैया, 110 का आपका सी हो जाएगा, किरातार्जुनीय में 18 सर्ग है। लिखा किसने है, तो भारवि जी ने लिखा, किसने लिखा भैया, भारवि ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 111, साधु धन इत में संधि होने पर बनता है, साधो इत, बी साधुवित, सी साधुत, डी आपका साधुरीति। तो कौन सा बन जाएगा, 111 का सी हो जाएगा, इसमें दीर्घ संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर, गद्य काव्य के कितने भेद होते हैं बताएंगे, 2 भेद होते हैं कि बी 6 भेद होते हैं, सी 4 होते हैं, डी 5 होते हैं। तो 112 का कौन सा हो जाएगा बताएंगे आप लोग, 112 का ए हो जाएगा, गद्य काव्य के 2 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किरातार्जुनीयम शब्द में कौन सा प्रत्यय है तद्धित, तो आपका कौन सा है, छा है कि खा है कि पा है कि घा है। तो 13 का बेहतरीन आंसर आप लोग का आ रहा है, तो 13 का हो जाएगा भैया डी, छा होगा। शुद्ध वाक्य बताइएगा आप लोग, वर्षायाम न गंतव्य, बी वर्षायाम न गंतव्यम, सी वर्षायाम न गमनीयम, सी वर्षा सु न गंतव्यम। तो 114 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा, जबरदस्त, 114 का डी हो जाएगा, कौन सा भैया,
114 का डी हो जाएगा, बरसात सुना गंतव्य मतलब डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 115, मेघदूत में प्रयुक्त छंद के प्रत्येक चरण में कितने अक्षर होते हैं? 17 वर्ण होते हैं, कितने होते हैं भैया? 17। अगला देखेंगे 116, रूपक के कितने भेद होते हैं? 5, 8, 10, 12। तो 116 का जवाब देंगे आप लोग, कौन सा हो जाएगा? सी, 10 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन, माँ ब्रूहिदीनम ओचाहिया उक्ति किस ग्रंथ से ली गई? उत्तरामचरित से, वाल्मीकि रामायणम से, किरातार्जुनीयम से, नीत शतक से। तो 117 का बेहतरीन आंसर हो जाएगा डी, नीत शतक से। अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया, आधार कितने होते हैं जिसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है? तो आधार कितने होते हैं? औपश्लेषिक होता है, वैशेषिक होता है, और कौन सा होता है? एक आप आंसर दीजिएगा एक का। 119 बेहतरीन, कार्यम हुआ साधेयम, देहम हुआ पातेयम, यह सार गर्भित प्रतिज्ञा किसकी थी? राम की, दुष्यंत की, अर्जुन की, तो शिवाजी की थी। कौन सी? शिवाजी की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शंभु शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का क्या रूप है? संभवाय, संभवाये, संभवे, संभव्य। तो 120 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा? सी, संभवे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 121, महा का भवभूत की कितनी रचनाएं हैं? 3, B 4, C 5, D 7। तो कितनी हो जाएंगी आप लोग आंसर देंगे 121 का? तो 121 का ए हो जाएगा, महाकवि भवभूत की 3 रचनाएं हैं। अगला देखना 122 क्वेश्चन, असमद शब्द का पंचमी एक वचन में क्या रूप बनेगा? मम, बी मत, सी मम, डी असमद। तो 122 का बताएंगे बेहतरीन जवाब आप लोग का, 122 का बी हो जाएगा, मत। अगला देखेंगे, पंडित अंबिका दत्त व्यास को निम्नलिखित में से किस उपाधि से विभूषित नहीं किया गया? घटिका शतक से, साहित्याचार से, सतावधान से, मीमांसक से। तो 123 का आप लोग बेहतरीन आंसर डी हो जाएगा, इनको मीमांसक से नहीं उपाधि मिली। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 24, बाण भट्ट की गद्य कृतियाँ कितनी हैं? तो गद्य कृति है 1, 2, 3, 4। तो 124 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा? बी हैं, तो गद्य कृति केवल इनकी 2 हैं। कौन कौन सी? कादंबरी और हर्षचरित है। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा बेहतरीन, पुष्प धनवा किसे कहा जाता है बताइएगा? क्वेश्चन का एंड भी बहुत अच्छा हुआ, विष्णु को, ब्रह्मा को, सी इंद्र को, डी कामदेव को। 125 का आपका डी हो जाएगा, कामदेव को कहा जाता है। यह सेशन आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, आगे वीडियो शेयर करिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।